मेरे प्यारे दोस्त, आप सबको हमारी इस YouTube चैनल पे आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, धन्यवाद। आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए और कंटिन्यूअस बने हुए हैं इस चैप्टर का, जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा तीसरा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, और इस तीसरा चैप्टर का हम लोग का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले और दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज है हम लोग का, वो है रिएक्शन, अभिक्रिया। आज हम अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। हम नाम लिखने के लिए इसके पिछले वाले वीडियो में देख रहे थे, और पिछले वाले वीडियो में हम नाम लिखने के लिए आपको बता दिया। इस वीडियो में हम अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे रिएक्शन कैसे होता है। तो इस चैप्टर का नाम ही है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जिस बात के बारे में अध्ययन करेंगे, वो हमारा बात है मेरे प्यारे बंधु, बनाने के बारे में, निर्माण। सबसे पहले हम निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे निर्माण होता है। निर्माण, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हम निर्माण के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कि एल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है, कीटोन का निर्माण कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। इस रिएक्शन को हम लोग देखते चलेंगे मेरे प्यारे बंधु, और आप हमारे साथ बने हुए बहुत ही मजा आएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही मजा आएगा। तो सबसे पहला जो आपको चीज हम बताने जा रहे हैं, वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है निर्माण में, जिसका नाम है रोजेंडमुंड। रोजेंडमुंड रिएक्शन, मेरे प्यारे दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बीबीआई है, आप इसे देखिए। रोजेंडमुंड रिडक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। इसमें क्या करना है, रोजेंडमुंड रिडक्शन में इसे एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और हम लोग एल्डिहाइड के निर्माण में कैसे रोजेंडमुंड रिडक्शन है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिए, देखिए, गौर कीजिए। ए स्ट्रक्चर दिया हुआ, इसको हम लोग कहते हैं एसिड क्लोराइड। मेरे प्यारे दोस्त, इसका नाम है एसिड क्लोराइड, इसको एसिड क्लोराइड कहा जाता है। इसको हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, और इसमें उपस्थिति देते हैं पीडी और BaSO4। रिएक्शन है, आइए देखिए क्या नाम में लिखा हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है मेरे प्यारे बंधु हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। यदि कहीं भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन के जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उस हाइड्रोजन के जोड़ने की प्रक्रिया को मेरे प्यारे बंधु हम रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन के जोड़ने की प्रक्रिया को मेरे प्यारे मित्र हम रिडक्शन कहते हैं। इस रिडक्शन में हम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, जिस उत्प्रेरक का नाम है PdBaSO4। पीडी का मतलब होगा पैलेडियम, BaSO4 का मतलब होगा बेरियम सल्फेट। तो आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि रोजेंडमुंड रिडक्शन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो उत्प्रेरक रूप में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान में रखिएगा, रिडक्शन है तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जब कभी भी रिडक्शन होगा तो हम लोग रिडक्शन मेरे पहले में तो हाइड्रोजन के साथ ही अभिक्रिया करेंगे। आपको बहुत ही सिंपल तरीका से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल वे है। आपको यहां से Cl को हटा देना है, और Cl जो है H के साथ एक रिएक्शन कर लेगा, और Cl को हटा करके हमने एक H को जोड़ देना है। हमारे पास दो H है, Cl को हटा देंगे
और सीएल के जगह पर हम एक एच को बैठा देंगे और एक एच जो बचेगा वो सीएल के साथ रिएक्शन करके एच सीएल बना लेगा। जैसे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गौर कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड या एच के जगह पर सीएल के जगह पर हम यहाँ पुट कर देंगे एच और प्लस इस एच और सीएल मिलकर के रिएक्शन कर लेगा और ये फॉर्मेशन करेगा एच सीएल का। इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड बना मेरे प्यारे बच्चों। तो आपसे कभी कभी पूछ देगा कि रोजेनमोन रिडक्शन से किसका निर्माण होता, तो आप ध्यान में रखिएगा रोजेनमोन रिडक्शन से अल्डिहाइड का निर्माण होता। कुछ नहीं करना, बेसिक बात बता रहे, तो सिंपल है, आपको सीएल को हटा देना है उसके स्थान पर एच को जोड़ देना है, तो सीएल के हटा के एच को जोड़िएगा तो बन जाएगा अल्डिहाइड और एच और सीएल मिलकर बना देगा एच सी एल। जैसे दो चार एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ सी एच थ्री डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड सी ए प्लस एच टू पी डी बी एस ओ फोर ये दिया हुआ है मेरे। अब इसको बोल रहे हैं बनाने के लिए, हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे यहां से सीएल को एच के साथ हटा देंगे, सीएल के जगह पर एच पुट कर देंगे। अब सीएल के जगह एच पुट कीजिएगा, ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा सेम टू सेम बनेगा, जैसे देखिए यहां पर भी ये वाला पार्ट सेम टू सेम था, चेंज नहीं हुआ था इसमें, देखिए सेम टू सेम था, तो इस वाले पार्ट में चेंज नहीं होगा, बस चेंज यहां पर होगा सीएल को हटाएंगे एच को पुट कर देना। तो हम लिखेंगे सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड को और सिंगल बॉन्ड एच प्लस एच सी एल। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त हम इसको बनाएंगे। और कुछ एग्जाम्पल देकर के आपको हम बताते हैं कि और कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, आइए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर है ना, मेरे प्यारे दोस्त देखिए ये दिया हुआ है और इस रिएक्शन को बनाना है। हम लोग एकदम स्लो स्लो चलेंगे, कोई फास्ट नहीं चलने का सकता, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे क्योंकि ये यूट्यूब का क्लास है, थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, स्लो चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप सबको समझ में आ सके, इस चलते धीरे धीरे चलते हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा स्लो मोड में तो कभी भी फिर पुनः दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए धीरे धीरे चलेंगे। इस रिएक्शन में दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्त बोला उधर बनाइए, क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताएं कि केवल चेंज करना सीएल को, सीएल को चेंज कर दीजिए, बाकी सब सेम टू सेम छोड़ दीजिए, ये सारा सेम टू सेम रहेगा, बस केवल चेंज करना है मेरे प्यारे दोस्त सीएल को। और सीएल को चेंज किससे करेंगे, तो एच के साथ चेंज करेंगे, तो आइए चेंज कीजिए, हम बेंजीन को सेम टू सेम रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे सी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड सीएल के जगह पर हम पुट कर देंगे मेरे प्यारे मित्र एच प्लस एच और सीएल मिल के बना लेगा मेरे प्यारे मित्र एच सी एल। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगा। एक दो और रिएक्शन देख लेते हैं, आप खुद से कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलो रेडी है, रेडी हो, देखिए मेरे प्यारे दोस्त इस प्रकार के सवाल यदि दिया हुआ रहे तो हम कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसे देखिए गौर कीजिएगा ध्यान दीजिएगा। सेम चीज है इसमें भी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो कुछ नहीं करना है, इसका मतलब यही होगा, इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, कभी कभी ऐसा न दे करके ऐसे दे देता तो हम कंफ्यूज नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्येक चीज को बारी बारी से समझेंगे। केमिस्ट्री का मतलब रटना नहीं समझना होता है, हम समझेंगे प्रत्येक चीज को, उसमें क्या खासियत है, कौन सा चीज कहाँ है, तो सर सेम है। यहाँ पर जो है सीएल इसको हम हटा देंगे और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इस प्रकार से करके देखेंगे तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इसमें हम डालते हैं कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम लिख देंगे सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड को और सिंगल बॉन्ड टू क्या कर देंगे एच प्लस लिख देंगे एच सी एल। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सी एच ओ, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों,
ये दोनों सेम है, इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बस सेम चीज एक ही काम करना है, बस सीएल को हटा देना और सीएल को हटा के उसकी जगह पर फुट क्या कर देना है पेज। प्रत्येक क्वेश्चन में यही काम करेंगे, चाहे कितना भी भारी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन क्यों नहीं हो, हम प्रत्येक क्वेश्चन में यही काम करेंगे कि सीएल को हटा करके पेज को फुट कर देंगे। ये उत्प्रेरक कुछ काम नहीं करेगा, उत्प्रेरक बस केवल रिएक्शन को फास्ट और स्लो करने का काम करता है और कोई काम नहीं करता। और सेकंड मेथड देखते हैं, और क्या है सेकंड मेथड मेरे प्यारे बंधु, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए। सेकेंड जो हमारा विधि है वो सेकेंड विधि है ऑक्सीकरण विधि, जिस ऑक्सीकरण विधि को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। इसके पीछे वाला हम जो दिखा रहे थे वो रिडक्शन था, रिडक्शन यहाँ पर है ऑक्सीडेशन। अब आइए ध्यान दीजिए सेकेंड विधि में क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे मेरे प्यारे बंधु, ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्सीकरण विधि में करना कुछ नहीं है, ऑक्सीकरण विधि में मेनली हम प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्त अल्कोहल का। जैसे अगर यहाँ पर इस प्रकाश दे दे आर सी एच टू और यहां पर दे दे ओ एच, ध्यान दीजिएगा ये प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री है प्राथमिक अल्कोहल है, ध्यान दीजिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम ले लें यहां पर आर टू आर सी एच ओ एच आर, ये द्वितीय अल्कोहल है, 2 डिग्री हो गया, ध्यान दीजिएगा। दो एग्जाम्पल लिए, एक प्राथमिक का और एक द्वितीय का, दोनों एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझा देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से देखिएगा गौर कीजिएगा। आइए इसका ऑक्सीकरण कराइए, ऑक्सीकरण करा देते हैं। इसका जब ऑक्सीकरण कराएंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो ऑक्सीकरण को हम सूचित करते हैं ओ से, यानी कि ऑक्सीकरण में हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को जब जोड़ेंगे तो हम ओ से सूचित कर देंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराएंगे तो दो चीज बनता है मेरे प्यारे दोस्त, दो वर्क करेगा, एक बनेगा एल्डिहाइड या एक बन सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल, ध्यान दीजिए। प्राथमिक अल्कोहल से दो चीज बनने की संभावना है जब ऑक्सीकरण कराएंगे, तो एक या तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एक या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। लेकिन जब द्वितीय अल्कोहल से कराएंगे तो एक ही चीज बनेगा, वो है हमारा कीटोन। ध्यान से देखिए, 1 डिग्री प्राथमिक अल्कोहल से दो चीज बनेगा ऑक्सीकरण कराएंगे, या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर डिपेंड करेगा, किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा रहे इस पर डिपेंड करेगा। अगर नॉर्मल होगा, नॉर्मल ऑक्सीडाइजर होगा, नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और यदि एडवांस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। हम देखेंगे कैसे कैसे क्या करते हैं मेरे प्यारे बंधु, लेकिन यहां पर द्वितीयक में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, नॉर्मल हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, एक ही चीज बनेगा, वो है हमारा कीटोन। इसी पर आप फोकस कीजिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो आप याद रखिएगा द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से पूछेगा क्या बनता है, तो वहां पर नाम दे देगा किसे रिएक्शन करा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो वहां पे दो चीज बनने की संभावना, या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, दोनों चीज बन सकता है मेरे प्यारे। तो हम दोनों को लेकर के देख लेते हैं, प्रत्येक को बारी बारी से लेकर के हम देख लेते हैं, एक बार एल्डिहाइड को ले लेते हैं, एक बार कीटोन वाला ले लेते हैं, और दोनों लेकर के हम देख लेते हैं कैसे क्या होता है मेरे प्यारे में। तो ध्यान से देखिए गौर कीजिएगा, एक चीज समझिए, आइए देखिए, हम यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहां पर हम प्रयोग करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम यहां पर प्रयोग कर सकते हैं चार चीज को। देखिए क्या क्या चीज है जिसका प्रयोग करते हैं, एक होता है पीसीसी, दूसरा होता है मेरे प्यारे बंधु Na2Cr2O7, ये दूसरा है, तीसरा ले लेता है K2Cr2O7। ये तीन चीज का ज्यादातर प्रयोग करता है, कॉमन तीन चीज का प्रयोग करता है। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पिरिडिनियम, पी से पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट इसका फुल फॉर्म होगा। अगर पीसीसी से रिएक्शन करा देंगे
प्राथमिक अल्कोहल के लिए पीसीसी से रिएक्शन करा देगा तो पीसीसी से रिएक्शन कराएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन बाकी दो से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। जैसे देखिए आपको बताते हैं डिटेल में, आपको समझाते हैं मेरे पहले दोस्त, ध्यान से देखिए गौर कीजिएगा। अगर मेरे पहले दोस्त हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे मतलब बढ़िया से समझिएगा, हम यहां पर पीसीसी ले लिए और दूसरा हम यहां पर ले लिए Na2Cr2O7। इसका भी प्रयोग कर सकता है K2Cr2O7, दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार से हम रिएक्शन करा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पीसीसी वाला क्या होगा, पीसीसी वाला में जो होगा वो एल्डिहाइड बनेगा और इसमें जो होगा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, इसमें जो होगा एक एल्डिहाइड बनेगा और इसमें जो होगा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। मेरे ध्यान दिया तो एल्डिहाइड किसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनेगा, ये दोनों को देख लीजिएगा। एल्डिहाइड बनाते समय इस चीज का ध्यान रखना कि एल्डिहाइड बनाते समय दोनों एच को हटाना पड़ेगा, एक एच यहां से और एक एच यहां से। जैसे एक एच हटाएंगे ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे देखिए आर में कोई चेंज नहीं हुआ तो हम लिख देंगे आर, लिख देंगे यहां पे आर सिंगल बॉन्ड सी। अब इसके पास एच कितने हैं, दो एच है, एक एच को हटा लेंगे तो एक एच बचेगा तो हम लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड एच। गौर कीजिएगा ध्यान से देखिएगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन था इस ऑक्सीजन के साथ जो एच था उसको भी हम हटा दिए। अब यहां जब एच को हटाया तो जो सिंगल बॉन्ड था ये कन्वर्ट कर गया मेरे प्यारे दोस्त डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, तो इसको मेरे प्यारे दोस्त हम बोलेंगे क्या एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हमारा हुआ। दूसरा देख लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, कार्बोक्सिलिक अम्ल वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे दोस्त, कुछ नहीं करना इसमें। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको यहां से नहीं हटाना, यही से हटाना, यहां से दोनों एच को हटा देना है और दोनों एच को हटा करके एक वो ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ देना है, एक ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ देना है। तो यहां से जब दोनों एच को हटा के एक ऑक्सीजन परमाणु को जोड़िएगा तो देखिए ऐसे बनेगा आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच है तो ओ एच, इसमें केवल यही से हटाएंगे, यही से यहां से बैठा दीजिएगा नहीं, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, ये हमारा एल्डिहाइड हुआ, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। ध्यान से देखिए गौर कीजिए, आपको एक चीज और समझाते हैं डिटेल। देखिए यहां से दो हाइड्रोजन परमाणु हटाए तो एक ऑक्सीजन परमाणु को जोड़े, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो संजक्ता को बैलेंस करने के लिए, वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए हम देखें कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन को यदि जोड़ना होगा तो हमको दो हाइड्रोजन को हटाना होगा, तो हमने यहां से दो हाइड्रोजन को हटा दिया। आप बस दिमाग में इतने याद रखेंगे कि अगर पीसीसी से रिएक्शन कराया तब दोनों एच को हटा देंगे, एक को बाएं से और एक को दाएं से, सिंगल बॉन्ड को चेंज कहां कर देंगे डबल बॉन्ड में। लेकिन यदि इससे क्रिया करेगा सोडियम डाइक्रोमेट से या पोटेशियम डाइक्रोमेट से, इसमें क्या करना है कि यही वाला दोनों एच को हटा देना है, यहां से नहीं हटाना, केवल यही वाला हटाना, जैसे यहां वाला एच दोनों एच हटाएंगे ओ को पुट कर देंगे, यहां पर ओ को पुट कर दिए डबल बॉन्ड सेम रह गया, बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइए इसमें भी देख लेते हैं और डिटेल में बताएंगे, समझिए बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, यहां पर देख लीजिए गौर कीजिए, अगर मान लीजिए यहां पर कुछ भी दे दे, यहां पर Na2Cr2O7, अब यहां पर कुछ भी दे दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सेम चीज करेंगे, देखिए क्या इस आर और इस आर में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्या करेंगे एक एच यहां से हम हटा देंगे और एक एच यहां से हम हटा देंगे और दोनों तरफ से एक एच हटा करके सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे डबल बॉन्ड में। ध्यान दीजिएगा आर आर सेम रहेगा, यहां से एक एच हटाएंगे, यहां से एक एच हटाएंगे, सिंगल बॉन्ड को हम छेद कर देंगे डबल बॉन्ड में, तो देखिए क्या होगा, यहां से होगा आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड आर, इसी को मेरे पहले में हम बोलते हैं कीटोन, ये हमारा कीटोन है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, ये हमारा क्या मेरे पहले में कीटोन है। कुछ नहीं करना, बस एक एच यहां से हटाइए, एक एच यहां से हटाइए, जैसे ही एच को हटाइएगा ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर देगा मेरे पहले बंधु डबल बॉन्ड में और हो जाएगा कीटोन। हम एक दो एग्जाम्पल लेकर के ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, आइए मेरे पहले बंधु ध्यान दीजिए, रेडी
आइए मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हम के माइनस फोर ले लिए हैं, के माइनस फोर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं या Na2Cr2 ले सकते हैं, K2Cr2 ले सकते हैं। इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल को K-4 से ऑक्सीकरण करा दिया, देखिए क्या बनेगा। सबसे पहला चीज मेरे प्यारे बंधु एयर हम पहचानेंगे कैसे कि क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा, इस चीज को पहचानेंगे कैसे, आपको पहचानने के लिए बताते हैं। हम इस OH को देखेंगे और OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखेंगे और वहां पर देखेंगे एज कितने हैं, एज हमारे कितना है, दो। अब हम यहां के बारे में कभी सोचेंगे नहीं, ये सेम दूसरे में रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये डराने के लिए दिया होगा, जो परिवर्तन होगा वो यही परिवर्तन होगा। इस दोनों एज को हम हटा देंगे, देखिए बहुत स्लो समझा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं, कोई फास्ट भागने की जरूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे चीजों को सीखना है, समझना है, पढ़ना है, फास्ट नहीं करना है। फास्ट करने के चक्कर में कोई चीजें, बहुत सारी चीजें छूट जाती है। धीरे धीरे सीखिए और बार बार हम बोल रहे हैं किताब हम जरूर रखिए घर पे ताकि उसको रिविजन कर सके, आप किताब खरीद लीजिए। तो यहां पर हमारे पास एज कितने हैं, दो, तो हम दोनों एज को हटा देंगे, एक वो ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। तो देखिए एच सी एच थ्री सेम टू सेम, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड को और OH हमारा सेम रह गया था, हम सिंगल बॉन्ड OH, इसको मेरे पैर में तो हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। पिछले क्लास में हम आपको बताए, मान लीजिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेकर के और समझा देते हैं, गौर कीजिएगा। अगर इसी को यदि पीसीसी से करा देता पीसीसी, तो देखिए क्या करते हैं, अगर पीसीसी कराता मेरे पहले दोस्त को हम कुछ नहीं करते, हम थोड़ा सा चेंज कर देते, एक एच यहां से हटा देते, एक एच यहां से हटा देते और यहां पर एच दो था, एक एच हटाते तो एक एच बच जाता। और इस सी एच थ्री को सेम करते हैं, लिखते सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड को और सिंगल बॉन्ड एच, ये हमारा मेरे पहले बंधु एसिटल डिहाइड बनता है, एसिटल डिहाइड। देखिए रिएक्टेंट सेम है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट बन गया, अगर के मेरा फोर्स कराएंगे तो एसिटिक अम्ल बन जाएगा, पीसीसी कराएंगे एसिटल डिहाइड बन जाएगा। इसी चीज को समझना है, कब किससे कराए तो क्या बनता है। एक और एग्जांपल लेकर के आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको यहां पर डायरेक्ट दे दिया सी एच थ्री सी ओ एच एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री और रिएक्शन करा दिया मैंने पहले तो KMnO4, क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। हम इसके बारे में और इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम हमेशा OH जिस कार्बन से जुड़ा उसी के बारे में सोचेंगे, इधर इसके बारे में सोचने लगेगा, इधर सोचेंगे तो फर्स्ट आएंगे बनेगा ही नहीं, तो हम इसके बारे में सोचेंगे, इसके पास एज कितना है, एक, अब एक ही OH है, दो OH रहता तो दोनों को हटा के O को जोड़ देते, लेकिन इसके पास एज है कितना, एक को मात्र, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक एज को यहां से हटा देंगे और एक एज को यहां से हटा देंगे। अब यहां से और यहां से एक एज को हटा के जो सिंगल बॉन्ड है ना, इस सिंगल बॉन्ड को बदल देंगे डबल बॉन्ड में, देखिए कैसे, तो हम लिख रहे हैं CH3 सेम टू सेम, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, ये लिख रहे हैं, इसका नाम है मेरे ख्याल में एसीटोन, ये हमारा बन गया एसीटोन। इसमें कुछ नहीं है, एक एज यहां से हटा है, एक एज यहां से हटा है, एक अब एक दू अब ऐसी हटा है, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर दिया डबल बॉन्ड, बाकी सबसे तो सेम रख दी। एक दो और एग्जाम्पल देकर के आपको समझाते हैं, देखिए बढ़िया से गौर कीजिए, मान लीजिए क्या सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एच सी एच टू ओ एच और इसको रिएक्शन करा दिया मेरे पहले बंधु यहां पर एन ए टू सी आर टू ओ सेवन, देखिए क्या चाहिए, कुछ नहीं करें, बस खाली सोचेंगे, किसको सोचना है, OH के बारे में, OH जिस कारण जुड़ा उसको देखिए, उसके पास एज कितने हैं, तो एज दो है। अब दो एज है मेरे प्यारे बंधु, तो हम क्या करेंगे, दो एज को हटा देंगे और दो एज को हटा के वो उससे जुड़ देंगे, बाकी इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम रखेंगे, इसको सेम टू सेम कर देंगे, इसको हम लिखेंगे सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल किस चीज को छोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड ओ एच, इसमें कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से और करता जाएगा।
अगर इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पर आप लिख करके हमें भेज दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो आपसे नहीं बने तो आप हमको लिख के भेज दीजिए। हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं 8873959915, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए लिख करके क्वेश्चन को, यदि कहीं समझ में नहीं आया तो आप उसको भेज दीजिए। दूसरी बात, यदि वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं लगे तो आप अपने मोबाइल में क्वालिटी को ठीक कर रहे हैं और हाई क्वालिटी में ज्यादा बेहतर ढंग से दिखाई देगा। और आगे आते हैं मेरे पैरेंट को और नेक्स्ट मेथड पर आते हैं और नेक्स्ट मेथड आपको बताते हैं अगला मेथड इसका क्या है। मेरे पैरेंट को देखिए जान में फसल थे रेडी। तीसरा मेथड ओजोनलिसिस है। थर्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, लाजवाब है, जिसको हम ओजोनीकरण कहते हैं। ओजोनीकरण थर्ड मेथड देख लीजिए आप इसको बढ़िया से गौर कीजिए। ओजोनलिसिस, आइए ओजोनीकरण है क्या आपको समझाते हैं। ओजोनीकरण से एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है, दोनों एक साथ बन सकता है, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के एक साथ बनाने का ही एक मेथड है ओजोनलिसिस। ओजोनलिसिस में कुछ नहीं करते, इसमें अल्कीन को रिएक्शन कराया जाता है, अल्कीन को, एक अल्कीन है हमारा अल्कीन है, अल्कीन को रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ। ओजोन का फॉर्मूला जो होता है वो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, O3 का मतलब ओजोन होता है। इसको ओजोनलिसिस कराएंगे, यहां पर जिंक H2O का प्रयोग करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में इसका कोई रोल नहीं है। आपको बताते हैं कर्म क्या है, कैसे बनाना है, बहुत ही लाजवाब तरीका है, ध्यान दीजिएगा। ओजोनलिसिस में क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, यहां ब्रेक कर देना है डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक O को बाएं जोड़ देना है और एक O को दाएं जोड़ देना है। फिर से समझिए, अल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, बाकी कहीं ब्रेक नहीं करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और ब्रेक करके एक O को बाएं और एक O को दाएं, ये दो टुकड़ा में बटे। अभी दो टुकड़ा में बट गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी और डबल बॉन्ड O, इसको अच्छा समझते हैं, ये ऐसे रख देते हैं डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C, ऐसे करते हैं। इसको हम थोड़ा खड़ा कर देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको हम ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड प्लस C डबल बॉन्ड O डबल। आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझिए। लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ओजोनलिसिस करा दीजिए O3 से सेकेंड ZnH2O से। देखिए इस प्रकार का है तो हम कैसे बनाएंगे मेरे पैर, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना आपको, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो यहां पर जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कीजिए, आप ब्रेक कीजिए। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक O को बाएं जोड़ दीजिए और एक O को दाएं जोड़ दीजिए, एक काम करना है। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करने के बाद एक O को बाएं जोड़ दीजिए और एक O को दाएं जोड़ दीजिए, और बाकी इस साइड में ए बच गया और इस साइड में ए बच गया। अब हम जोड़ के दिखाते हैं आपको, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। आप इसको लिखिए CH3 C। अब इस O को जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे, तो हम इस O को यहां जोड़ेंगे, खड़ा कर देंगे डबल बॉन्ड, इस C के साथ था क्या H, तो हम लिख जाते हैं। फिर देखिए इस C के साथ क्या जोड़ देना है, O, हम लिख दिया C डबल बॉन्ड O, इस C के साथ जुड़ा हुआ क्या था H, तो हम लिख दिया H सिंगल बॉन्ड, फिर क्या जुड़ा हुआ CH3, हम लिख दिया CH3। ये दोनों सेम ही चीज है, ये दोनों सेम है, ये दोनों चीज सेम है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मिटा देंगे और इसको मिटा करके इसके आगे हम दो लगा देंगे, यानी कि यही दो ठो बन गया। इसका नाम मेरे कह रहे हैं एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, यही दो ठो बन गया। और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं और डिटेल में, मेरे कह और ज्यादा डिटेल में समझे बच्चों का, और एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं मेरे।
देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रकार का दिया हुआ है, अगर इस प्रकार का दिया हो तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, हमें बीच से ब्रेक कर देना है और ब्रेक करके बाएं साइड में भी पो जोड़ देना है और दाएं साइड में भी पो जोड़ देना है, दोनों तरफ पो जोड़ देना है और दोनों तरफ पो जोड़ करके हम करेंगे। तो अगर दोनों तरफ पो जोड़ेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड पो, यहां भी याद मिलेगा, यहां भी याद मिलेगा, प्लस ओ, यहां ओ होगा, डबल बॉन्ड सी आर आर। अब इसको खड़ा भी कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, अभी दोनों सेम ही चीज है, तो सेम चीज है तो एक ही जगह लिख देंगे, इसी के आगे दो लगा देंगे और इसको मिटा दिए, दोनों सेम चीज है, दो बहुत सारी कॉल, दोनों सेम चीज है, इसके आगे दो लगा देगा, डिफरेंट डिफरेंट होता तो हम अलग अलग लिख देते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे आइए एक एग्जांपल देते हैं, लिखा हुआ सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच टू प्लस ओ थ्री जेड एन एच टू, ये लिखा हुआ है। अब इसको लिखा हुआ भेज दे दिया बनाने के लिए, अब इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज है, बिल्कुल आसान है, यहां से ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके एक को बाएं जोड़ देना और एक को दाएं जोड़ देना, यही सिंपल मेथड है। ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद एक को बाएं जोड़ेंगे और एक को दाएं जोड़ेंगे। अब आइए लिखिए इसको, अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, अब इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये फर्स्ट पार्ट को हम लिख दें, पहला पार्ट ये हम लिख दें। अब हम दूसरा पार्ट लिख रहे हैं, सेकेंड पार्ट, देखिए सेकेंड पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट में लिखे, इसके पास एच कितने हैं, दो, हम सेकेंड पार्ट लिख रहे हैं ओ डबल बॉन्ड सी, अब इसके पास एच कितने हैं, दो, तब लिख दिए एच, वेरी सिंपल है, गौर कीजिएगा। अगर इसी प्रकार से और एग्जांपल दे दे, लिखते सी एस थ्री सी सी एस थ्री डबल वन सी सी एस थ्री प्लस ओ थ्री जेड एन एस टू, ऐसे दिया होगा। अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम काम करेंगे, यहां बीच से ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करके हम लोग लिखेंगे, अब बीच में ब्रेक कर दिया, लिखिए इसको, लिखेगा होगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ प्लस प्लस ओ ओ डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। आप इस तरीका से मेरे प्यारे बंधु इस दिए गए प्रश्न को आप बढ़ा सकते हैं, यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा और लेवल उठाने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बंधु, देखिएगा और थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, गौर कीजिएगा। आइए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा लेवल को ऊपर करते हैं और देते हैं आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बंधु, ध्यान दीजिए, ठीक है, वह सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल वन सी एच टू प्लस ओ थ्री जेड एन एच टू दिया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल को उठा दिया, धीरे धीरे प्रत्येक चीज को सीखेंगे और कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे हर एक चीज को हम सीखते चले जाएंगे, प्रतिदिन थोड़ा कुछ सीखेंगे, फास्ट चलेंगे कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम स्लो चलेंगे, एक बार इस तरीका से पढ़ लें, साइंस है, दूसरे में ऑनलाइन क्लास है, फास्ट चलेंगे समझने में दिक्कत होगी, तो धीरे धीरे स्लो तरीका से हम चलेंगे। आइए मैं कह रहा हूं इस प्रकार से दिया हुआ, इसमें क्या करेंगे, इसमें दो जगह डबल बॉन्ड दे दिया तो हम दोनों जगह को ब्रेक करेंगे, यहां पर भी ब्रेक करेंगे और यहां पर भी एक बार ब्रेक करेंगे, यहां पर ब्रेक करेंगे तो एक बाएं एक दाएं, एक बाएं एक दाएं, इस तरीका से ब्रेक करेंगे। आइए देख लेते हैं क्या बनेगा, तो इसमें देखिए कितने पार्ट हो गए, पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री, तीन पार्ट हो गए, इसमें तीनों पार्ट को लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त,
तो तीनों पार्ट को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला पार्ट लिखेंगे, तो पहला पार्ट होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, दूसरा पार्ट होगा O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यहां प्लस तीसरा पार्ट देखिए मेरे पहले बच्चों, तीसरा पार्ट होगा O डबल बॉन्ड CH2, तीन पार्ट होगा 1 2 3। इसे एक दो बार और देखें, ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। वीडियो को हमेशा एक बार नहीं, आप दो बार देखें, तीन बार देखें, तो ज्यादा डिटेल में चीजों को ग्रैब कर पाएंगे। और किताब जरूर रखें, घर पे किताब रखें, उसे पढ़े। किताब सबसे कारगर चीज है, आपका हथियार है वो किताब। आगे और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सपोर्टेड दे दिया ऐसे, ए दे दिया, इस प्रकार से दे दिया और बोला कि लिखिए। तो कैसे लिखेंगे मेरे पैरों में, तो ध्यान से लिखिए, गौर कीजिए, कुछ नहीं करेंगे, यहां से ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करके एक ओ को बाएं जोड़ देंगे और एक ओ को दाएं जोड़ देंगे। देखिए क्या बोला, वेरी सिंपल है, इसमें किसी प्रकार का इसमें चेंज नहीं कर रहा है, ये हमारा सेम टू सेम होगा, सब सेम टू सेम हुआ, इसको ब्रेक कर देना नहीं, ये सेम टू सेम रखेंगे। तो हम यहां पे पंचभुज बनाएंगे, आप पंचभुज बनाने के बाद डबल बॉन्ड को प्लस पुनः लिखेंगे ओ डबल बॉन्ड सी एच टू। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त हम लोग आगे चलते रहेंगे। आज हम तीन मेथड बताए, पहला मेथड बताए रोजेनबुंड, दूसरा मेथड बताए ऑक्सीकरण विधि, और तीसरा विधि बताए ओजोनोलिसिस। ये तीन विधि आपको हम आज चर्चा किए, आप इस वीडियो को बार बार से देखें, बार बार देखिए, और यदि कुछ कमी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, जो हम व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हुए हैं उसमें हमको व्हाट्सएप करके बताइए, और ज्यादा चीजों को बेहतर करेंगे और धीरे धीरे थोड़ा हम लोग स्टेप अप करेंगे। अगला जो वीडियो होगा और इससे थोड़ा बड़ा होगा, धीरे धीरे वीडियो बड़ा होता जा रहा है, अगला वीडियो 32 मिनट के था, आज 40 मिनट के अप्रॉक्स में होगा, उसके बाद ऐसे ऐसे वीडियो बढ़ता चला जाएगा। तो आप इस चीज को समझे और घर पे बार बार पढ़े, हम दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको और डिटेल में हम समझाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। और यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कीजिए, बहुत सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में पुनः हम लोग मिलते हैं आप सब उम्मीद और उमंग के साथ, इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े हुए रहिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने आस पड़ोस के जितने भी दोस्तों किसी भी टीचर के पास पढ़ते हैं उसके पास जरूर शेयर करें मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।